You are custodian of the house. You don't belong to the party. You belong to this house. The point we are taking up, you should be taking up yourself, and we would be assisting you. Article 51 mandates that the house has to be in full, including the member reserves for women and non-Muslims. Before that, the house is incomplete. Not only the house has to be in order, but the house has to be full. House has to be complete. Barai Mehrabani, itni guzarish humne kal kar di thi. Ye point of order ayin aur kanun ka hai. Humne ye uthaya hai, aapse ruling mangi hai. Aapko yaad hoga, Supreme Court ne decision diya tha. पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और इलेक्शन को रोका था क्योंकि उस वक्त असेंबली में 25 मेंबरान की कमी थी. इस वक्त आपके हाउस में 23 मेंबरान की कमी है. उसमें 3 नॉन मुस्लिम्स हैं और 20 वुमेन हैं. हमारे 8 वुमेन ने आना है केपीके से, 12 वुमेन ने आना है पंजाब से. ये इस इलेक्शन कमीशन ने प्रिजर्व रखा है. बिफोर दैट टेक प्लेस, मिस्टर स्पीकर काइंडली, before that the house is incomplete. देखिए नॉर्दर्न आयरलैंड में स्पीकर का इलेक्शन मोर देन अ मंथ डिले हो गया था. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा कि एग्जैक्टली द नेक्स्ट डे यू हैव टू होल्ड द इलेक्शन, हाउस मस्ट बी कंप्लीट बिफोर यू वुड प्रोसीड. कांग्रेस में स्पीकर का इलेक्शन 18 टाइम्स हुआ था, 18 टाइम्स. व्हाई? बिकॉज दे कुडंट गेट द कंसेंसस ऑन अ कैंडिडेट. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू. आपने खामखा एक रूलिंग दे दी इस बात पे जो हम कह रहे हैं कि फॉर्म 45 का बंदा यहां बैठ सकता है. अगर फॉर्म 45 का नहीं है तो वो स्ट्रेंजर है, उनके पास कोई राइट नहीं है. इनके अपने लोग उनको नहीं मानते. ये जो आपके पास ओहदे बांधने बैठे, इनकी इनकी इनके फैमिली मेंबर्स इनके बच्चे भी नहीं मानते. दिल से इनके बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जीते हुए हैं. वो आपने रूलिंग उनके फेवर में दे दी कि नोटिफिकेशन बेस्ड है. क्या आईन नोटिफिकेशन बेस्ड को एक्सेप्ट करता? मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं हम कि आप पुट ऑन होल्ड कर दें. एवरी वोट काउंट्स इन अ डेमोक्रेसी एंड वी हैव 23 मोर वोट्स, 23 मोर ऑनरेबल मेंबर टू कम एंड टेक द सीट्स इन दिस हाउस. वी आर हेयर, यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस. काइंडली डू नॉट एफिलिएट योरसेल्फ, डू नॉट एफिलिएट योरसेल्फ. बैरिस्टर साहब, इस पे आपकी रूलिंग चल रही है. इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के अलावा मेरे असेंबली के सेक्रेटेरिएट या मेरे पास क्या तरीका एसेस करने के कि हु हैज बीन ड्यूली इलेक्टेड और नॉट? एक सेकंड. क्या आप समझते हैं कि कभी ऐसे होता है कि स्पीकर या फॉर्म 45 जो है वो देखना शुरू कर दे मेंबरान के? कभी ऐसे हुआ है या हो सकता है? उसके लिए तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, ये उसकी ड्यूटी. आप तशरीफ रखिए, आपका पॉइंट आ गया जी. राणा तनवीर हुसैन साहब. सर मैं देखिए, जब आप बात करते हैं ये तो वो सुनते हैं. आपने इनको जब वो बात करते हैं तो आप सुनते नहीं. हमने बड़े बैरिस्टर साहब इसका जवाब दें. स्पीकर साहब, हमने बड़े हौसले से इनको सुना. आप मेरी बात तो सुन ले. बैरिस्टर साहब इसका जवाब दीजिए, हौसला पैदा करें. जब आप बात करते हैं तो सारा हाल सुनता है खामोशी के साथ. जब वो उस साइड से बात होती है तो आप लोग खड़े हो जाते हैं. मेरे इस तरह तो ना ना करें. वोट वो कराए ना.
बूथ नंबर एक जनाब अहमद रजा मानिक का, जनाब अहमद अतीक अनवर, मोहतरमा अख्तर बीबी। बूथ नंबर दो अब्दुल कातिल पटेल, जनाब अब्दुल करीम बजार, जनाब अब्दुल लतीफ और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। बूथ नंबर दो जनाब अब्दुल कादिर खान, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, जनाब उस्मान अली, जनाब इरफान अली लगारी। बूथ नंबर एक राना इरादत शरीफ खान, जनाब अरशद अब्दुल्ला वोहरा, जनाब अरगमान सुभानी, मोहतरमा इसबाल जहरी।